हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हुसन क्रिएशन। देखिए, हुसन क्रिएशन आज और एक जेंस पैटर्न लाए हैं। देखिए, आप इसे जेंस में या फिर कार्डिगन में कहीं पर भी डाल सकते हो। देखिए, ये एक छोटा एक टाइप का केबल पैटर्न टाइप है। और ये देखिए, हमने इसको इवन नंबर की पैटर्न है, हमने इसे 28 फंदा में डाला है। देखिए, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक, और ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। देखिए, और बहुत ही इजी है, जस्ट 8 रो के बाद 9 रो में इसका डिज़ाइन डाला जाता है। मतलब एक ही रो में डिज़ाइन डाला जाता है, बट बहुत ही सिंपल पैटर्न है। देखिए, तो चलिए इस पैटर्न का आपको बना के दिखाते हैं कि ये हमने कैसे बनाया है। तो ठीक है, इसको अब बनाते हैं। देखिए, ये इवन नंबर की फंदा डिज़ाइन और 28 फंदा हमने उठाया। अभी देखिए, ये फर्स्ट रॉ है, एक फंदा ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद देखिए, दो फंदा उल्टा उन पीछे कीजिए, चार फंदा सीधा। चार फंदा सीधा, उसके बाद दो फंदा उल्टा उन पीछे कीजिए, चार फंदा सीधा। दो फंदा उल्टा, इस तरह से ये फर्स्ट रॉ हमारा कंप्लीट होगा। चार फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा, इस तरह से कंप्लीट होता है। दो, तीन, चार फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एंड एज स्टिच हमारा ये सीधा, दो साइड में दो एज स्टिच है हमारा। ये सेकंड रॉ है, जो एक फंदा उतार लेंगे, दो फंदा सीधा, जो जैसे दिखाई देता है उसको ऐसे ही बुनना है। मतलब दो फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा, इस तरह से ये जो हमारा सेकंड रॉ कंप्लीट होगा। देखिए, दो फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, इस तरह से ये सेकेंड रो हमारा चार फंदा उल्टा दो फंदा उल्टा सीधा करके कंप्लीट होता है। देखिए, थर्ड रो उतार लेंगे, दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, वही वन की तरह रिपीट करेंगे हम। दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, इस तरह से ये एंड लास्ट का स्टिच सीधा, थर्ड रॉ कंप्लीट होता है। ये फोर्थ रॉ है, जो जिस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है उसको उस तरह से बुनेंगे, चार फंदा उल्टा दो फंदा सीधा। एक उतार लिया, दो फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा,
दो फंदा सीधा, इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये फिफ्थ रो है, एक उतारेंगे, दो उल्टा। इस रो में भी हम रिपीट करेंगे वो ही एक ही चार फंदा सीधा। वैसे एक बात बता दें आपको, ये रो नंबर 5 है, आपको याद रखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से एक ही सेम पैटर्न आपको रिपीट करना होगा। मतलब सीधे में चार फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, और जब उल्टी तरफ आएंगे, जब रॉन्ग साइड में आएंगे, दो फंदा सीधा चार फंदा उल्टा। इस तरह से आपको 8 सिलाई कंप्लीट करना होगा। मतलब 1 से 8 रॉ तक सीधी और उल्टी में सिर्फ यही रिपीट करना होगा। तो ये हमारा 5th रॉ है, तो हम 5th 6th 7 8 इस तरह से रिपीट करने के बाद आपको दिखाते हैं। 9 रॉ में हमारा डिज़ाइन डाला जाएगा। तो ये हमारा 5th रॉ है, ये 5th हमारा फॉन्ट है, 6th बैक होगा, उसके बाद 7 रॉ फॉन्ट होगा एंड 8 रॉ रॉन्ग साइड होगा, 9 रॉ हमारा राइट साइड में हम डिज़ाइन डालेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी 5th 6th 7 8 तक रिपीट करके आपको यही सेम रिपीट करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए रो नंबर 9 8 हमारा कंप्लीट हुआ है, अभी यहाँ पर हम डिज़ाइन डालेंगे। इस रो को आपको गौर से देखना होगा, स्टिच उतार लेंगे, उसके बाद दो फंदा उल्टा, उनको पीछे कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है समझ लीजिए एक बार, इस फंदे को बाद में बुनना होता है, इस तीनों को छोड़ के पहले इस फंदे को इस तरफ ला के आपको बुनना है। इसके लिए आपको इस तरह की निडिल चाहिए, दो नोक वाला केबल निडिल जिसे कहते हैं, इसमें आप 3 फंदा ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। इसके बाद इस तरह से डाल दीजिएगा। देखिए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 फंदा ऐसे इस तरह से केबल से निकाल के लेफ्ट में ले लेना। उनको वापस कीजिए अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा बनाइए, दो फंदा उल्टा, उनको पीछे कीजिए, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 3 फंदा सीधा। फिर से वही कीजिए इस तरह से निकाल लेंगे, उसके बाद एक सीधा बनाएंगे एंड बनाने के बाद इसको यहाँ पर डाल देंगे। उनको वापस कीजिए, यहाँ पर देखिए हमारा क्या हुआ, दो फंदा उल्टे के बाद 3 फंदा हमने सीधा बनाया और यहाँ का एक फंदा सीधा, मतलब ये पहले की तरह 4 फंदा हमारा सीधा हो गया। अभी दो फंदा उल्टा, हर 9 रो के बाद आपको डिज़ाइन जब डालना होगा आपको ये केबल बटन लगेगा। 3 फंदा सीधा, 1 2 3 सीधा, अभी एक सीधा होगा, पहले हम निकाल ले 3, 1 2 3 निकाल लिया, एक फंदा सीधा, देखिए हमारा 4 फंदा सीधा आ गया। अभी आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर इस तरह से देखिए यहाँ पर इस निडिल में भी बना सकते हो, दो फंदा उल्टा, केबल निडिल में भी चाहो तो आप बना लीजिए, पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा एंड दो फंदा सीधा। उसके बाद 3 निकाल लीजिए,
एक फंदा सीधा। इस तरह से देखिए इसे डाल दीजिए, दो फंदा उल्टा, देखिए एक दो तीन फंदा सीधा और लास्ट का एज स्टिच तो सीधा ही होगा। देखिए फिर से हमारा 4-2-4-2 का पैटर्न आ गया। अभी देखिए ये 10 रॉ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उतार लेंगे, एक सीधा, दो तीन, तीन हमारा सीधा हुआ। अभी उनको पीछे कीजिए, सॉरी तीन हमारा उल्टा हुआ, अभी उन पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, वापस कीजिए, चार फंदा उल्टा, दो तीन चार फंदा उल्टा, अभी उनको पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, वापस कीजिए, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, उनको पीछे कीजिए, फिर से दो फंदा सीधा, वापस अपनी तरफ करके दो फंदा उल्टा, सॉरी चार फंदा उल्टा होगा। दो फंदा हमारा सीधा, अभी चार फंदा उल्टा, एक दो, इस तरह से ये रो नंबर 10 हम कंप्लीट करेंगे। दो फंदा सीधा, ये कंप्लीट कर लें। रो नंबर 11 हम रो नंबर 1 की तरह रिपीट करेंगे। अभी हमें 1 से 10 तक अभी रिपीट करना है हर बार। एक उतार लेंगे, उसके बाद देखिए एक दो तीन, तीन हमारा सीधा, दो फंदा उल्टा, तीन और एक चार हुआ। अभी देखिए चार फंदा सीधा, दो तीन चार, पहले की तरह रो नंबर 1 की तरह चार फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, दो फंदा उल्टा। इस तरह से 9 रो हम रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर से केबिल डाल के डिज़ाइन डालेंगे, तीन चार, दो फंदा उल्टा, चार सीधे के ऊपर हम डिज़ाइन डालेंगे। देखिए इस तरह से आप बनाते रहिए। चार के बाद यहाँ पर आप केबिल डालेंगे, मिडिल में केबिल आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप 1 से 9 रो तक हर बार रिपीट करते रहिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आता जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट, टेक केयर, बाय बाय।